Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। कल्याणगामी कुशु की ओर से गया हुआ प्रतिनिधि जो समझा कर, जब जब इड़िया कल्याण कामिनी बनेगी अर्जुन काम करेगा प्रतिनिधि का। बेटे जैसे हम 10 12 20 50 की कोई डिफिकल्टी है तो हमारी ओर से कोई दिशा के बात बताने एक व्यक्ति जाएगा, सारे थोड़े जाएंगे वापस खप जाएंगे। हमारा प्रतिनिधि दिशा को समझाएगा कि हमारी ये बात है। इस तरह क्या अर्जुन प्रतिनिधि है कल्याणकामी मानव जाति का, कल्याणकामिनी मानव जाति का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, हमारी बातें रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट रीमन दोबारा प्रेजेंट मैंने पेश करना, हमारी मांग प्रेजेंट करता है उनके सामने, हमारी ओर से गया। तो अर्जुन को कंधा रखकर समझे, समझा दे अपनी जाति को जो इस पे यकीन है। हाँ तो भारत के लाल, ऐ भारत के बच्चे, ऐ भारत की छोरे, भारत में उत्पन्न भारतीय, इसलिए तो इस पे यकीन है तो भारत के लाल न कर पहले हस्ती का जो बना था इन शरीरों के लिए ना रोया कर। शरीर तो जा ही रही है, शरीर तो पांच तत्वों में मिलने थे तैयार, ये पहले की हुए जब से बने हैं तब से पांच, इनके लिए क्या रोना। अच्छा तू रोता भी रहो तो भी ये जाएंगे, तो असरियत को ना समझ लिया जाए, असरियत के साथ को ना पहचान कर ली जाए, वो सियान हो गया, जा तो रही है, चाहे कोई नास्तिक है चाहे आस्तिक है, शरीर तो नहीं टिकेंगे। तो जो इस तरह जान जाएगा तो शरीर में अविनाशी की तरफ भाग जाएगा, शरीर में अविनाशी की तरफ भाग जाएगा जो इसको जान गया। अब जो बड़े विचारवान होते हैं पता है पानी तो चलना है, पानी रुक नहीं सकता, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी में, पानी की रवानी में रुकावट नहीं आती। तो दलाओं ने क्या क्या काम कर दिए बच्चे, इसे पंचक्कियां चला रही, मैंने इन्हीं आंखों से जाके देखा पंचक्की क्या कमाल इंसान की, क्या गजब की सूझबूझ है, पंचक्की कमाल की बात है। एक जगह नहर का पानी ऊंचा कर देता है एक स्थान पर, जहां पुल लगी होती है वहां पानी जरा जमीन को ऊंचा बनाते, पानी जो पहले नीचे से आ रहा था और पानी ऊंचा उठाया, हाँ ऊंचा उठाया और पानी इधर फैला ऊंची जगह पर गया और पानी ने यू गिरना है। तो इधर जैसे चक्कियां आपकी होती है, चक्की आपने देखी बड़े बड़े पुल होते हैं, उन पुलों के साथ इतना बड़ा पाइप लगा होता है, ऊपर पाइप लग गया और ऊपर से ऊंचाई से पानी गिराया, तो ये पाइप लगातार है तो ये इसमें मूवमेंट पैदा हो गई ये जी, तो ये पाइप के नीचे गए चक्की पुल, जब ये घूम पड़ा तो ये पुड़ भी घूम पड़ा, हा वो लगातार फॉल कर रहा है तो लगातार उसमें मूवमेंट आ गई, तो नीचे पुड़ चल पड़ा, लो टनो टन अपना अनाज पीछे। अच्छा निचला पुड़ नहीं चलता उपला पुड़ चलता, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप मुझे पूछे हमारे पास दो जबड़े हैं कौन सा काम करता है, निचला नहीं उपला, बड़ी बेवकूफी इस पर हुई है, जबड़े में से कौन सा ऊपर चलता है, अपर क्या है लोअर अपर, तो उस पुड़ में जो ऊपर चल पड़ा निचला फिक्स होता है,
जितना बड़ी कोई खर्च नहीं गवर्नमेंट का, एक बार जो हो गया सो हो गया, और उसमें वो जो आप जो है आपके जीवाणु वो भी नहीं सड़ते, उसमें जो ताकत वाले पौष्टिक तत्व है वो ठंडा रहता है आटा, इसके लिए वही पानी में बैठी। और सजनो ये गिरा और ये चक्कर काटता हुआ फिर उसकी नहर के अंदर एक बूंद भी जाए नहीं हुई, लेकर कितना काम कर गया। जब इंसान ने जाना कि पानी का बहना है तो लाभ उठाओ, इसी से फिर नीचे टर्बाइन लगा दी कई जगह, टर्बाइन करोड़ों रुपए के लगा के उस पर पानी गिरा, टर्बाइन घूमी, बिजली पैदा हो गई। हाँ, और उन्हें किया क्या करता, पानी का काम है बहना छोड़ता, तो व्यक्ति चीज को ऊपर कोई चीज भी डालोगे वो चक्कर में आएगी। वो पांच चक्की की नकल टर्बाइन, ये रगड़ पैदा की चले जोर का, कितना कितनी बिजली आप कितनी मेगावाट बिजली आपको मिल रही है सिर्फ पानी से। ब्यास पर आपने डैम बना दिया तलवाड़ा शायद, और इधर आपने गोविंद सागर पर बना दिया, कितनी आपको मिल गई इतने डैम बनाने पर मुफ्त की बिजली, पहले जो खर्चा हो गया सो गया। तो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए की बचत और देश की डेवलपमेंट कितनी बिजली से हो गया, क्योंकि पानी तो बहना है, तो बहने और पानी से हमने कितना फायदा उठा लिया। इतने ऋषियों ने देख लिया है कि मन में जो सफुरना आना है, जैसे पानी का काम है बहना, कभी रुकावट आ नहीं सकती, इसी तो बहना है, मन में तो सफुरना आना है। तूने कहा आए आए सफुरना आए आए आए, जैसे मैंने कहा बड़ी लियाकत है मन चक्की चलाना, उस महाभ का लाभ उठाना, उसमें से बिजली पैदा कर लेना टर्बाइन चला करके, ये पानी चले बिछा के अपने स्वभाव ना छोड़े, इस तरह मन में मन की वृत्तियां चले। हाँ, लेकिन मन की वृत्तियां भगवान के संग होके चले, हो गया बेटा पार, दे मस्ट मूव बट मूवमेंट टुवर्ड्स ऑलमाइटी। आयो बड़ा कमाल का नुकता है, इनकी जो चाल है वो भगवान की ओर चले चले ही, लेकिन भगवान की ओर, इनकी चाल संसार की ओर। ये तो हमारे बस की बात है ना, कि मन में खार उठेंगे उनके ऊपर जहां के नहीं, तो मन क्यों उठाता है इधर उठे, क्योंकि माता इसे संसार की जान दी है, संसार की माता नहीं जाननी थी भगवान की माता। यही मैं चाहता हूं कि हे भगवान, जब तू मनुष्य बनाया कर तो मां के पेट से ये पाठ पढ़ा दे, अनित्यम आसुकम रजस्वमा, ये मां के पेट से हमें मिल जाना चाहिए कि मैं जिस संसार में तो आ रहा है ये अनित्य है दुखदाई है, जाकर मेरा भजन करना। लो बात तो इतनी सी थी, और मैं जो बुद्ध से आपके पास हूं इतनी सी बात गीता के माध्यम से समझा रहा हूं, मैं जहान की ओर नहीं, क्यों, जहान में जहान जो है इसके प्राणी पदार्थ अनित्य और दुखदाई है, इसलिए जहान बनाने वाले की ओर हमने जाना है, जहान की ओर नहीं जहान बनाने वाले की ओर जाना है। जैसे आप गली में जाती है तो गली में तो कई मकान है, तो कई मकानों की ओर नहीं, उसमें एक खास मकान की ओर, वो मोहल्ले में गए, मोहल्ले से फिर एक विशेष गली में गए, फिर गली में विशेष एक घर में गए। आए हम संसार भी आए, संसार के कई रूपों में आए, कई रूपों से रूप बनाने वाले में, बस मन की चाल तो चली रही, मन में वित्तीय तो आती रही, लेकिन भगवान की आती रही। अब ये तब जो भगवान की महत्ता बढ़ाई जाए, जैसे मैंने अभी दृष्टान दिया अपना कमाल का दृष्टान, महापुरुषों का पानी ने चल रहा है भाई, ये अब आपकी लियाकत है कि पानी को ठीक करके खेतियों में सोना उगा लो, खेती में पानी जाए, उसकी होगी आबाशी, आपाशी होगी, जिसे आप कहते हैं सिंचाई हो जाएगी, पानी से पानी सिंचाई, पानी से पंच चक्के चल पड़ेगी, पानी से टर्बाइन से बिजली पैदा हो जाएगी, उनको घुमाने से पानी से और बड़े लाभ उठाई जा रहे आप। हाँ, उसमें से नाले निकल रही है, नहरें निकल रही है, कई काम तो जा रही है। इसी तरह मन की चाल चले, मन जाए पर संसार की ओर ना जाए, बस ये है बड़ी जाकर हम पे मन के मन को ये नहीं कहे तो रुक जा ना, भगवान की ओर चल। बड़ा तनाख है जब मन की चाल को भगवान की ओर चला रहा, मन को महाराज जी की ओर लगा रहा, बहुत सियानी है मेरी बेटी। वो मन तो चलेगा, मन में विचार है भगवान के विचार है, तो भगवान के तभी जब भगवान की महत्ता बढ़ाओ, इंपॉर्टेंस बढ़ाओ। हम क्यों जा रहे हैं इतना पढ़ने, हमने पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई, मेरी बेटियां भी इतना पढ़ने लगी, महत्ता बढ़ाई, पढ़ाई से हमारी बुद्धि खुलेगी, हम कुछ कमाने लग जाएंगी, हालात बड़े गंदे हैं आजकल के, बड़ी महंगाई है, तो मैं भी एक पूरा पूरा शेयर बांटूंगी। ये तो आपने महत्ता बढ़ाई, महत्ता बढ़ाने से आप ये काम करें, किसी काम की महत्ता ना बढ़ाओ, करने का दिल ही नहीं चाहेगा। सारे कोई भगवान की गीता सुनते, गीता की महत्ता ही नहीं पता, महत्ता बढ़ाते नहीं गीता की भगवान की, इसलिए घुराड़े मार रही है, सो रही है, सपनों की दुनिया में चक्कर काट रही है। हाँ, हम महत्ता बढ़ाए इधर हो जाए, हमसे कोई पूछता भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो, तो आप जहान की भक्ति क्यों कर रहे हो, आप जवाब दे दो, हम भी जवाब दे देंगे। जहान में दो ही चीजें है, जहान और भगवान, तो हम भगवान की भक्ति करते, आप जहान की भक्ति करते हो,
भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसके लिए अधिक समय दिया जाए हम उसके डिवोटी कहलाएं। तो डिवोटी डिवोटी तो ही डिवोट्स मैक्सिमम आवर्स टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ डिवोटी। जो जिसके लिए ज्यादा समय लगाता है उसका भक्त कहलाता है। तो आप तो ज्यादा समय जहान के लिए जहान के भक्त है, क्यों? आप जवाब दे दो, आपने जहान की महत्ता बढ़ाई है। हाँ, और आपने कहा जहान से खुशी, आपको खुशी मिली, आराम मिला, चैन मिला, करार मिला, नहीं तो जहान भगवान की महत्ता बढ़ाएंगे। सिर्फ एक ही है जवाब, महत्ता। महत्ता आप किधर बढ़ाती हो? जहे किस्मत, कई जन्मों के अच्छे संस्कार जागे, जी भगवान की महत्ता नहीं बढ़ाते। जहान की महत्ता बढ़ाएंगे, भगवान की, भगवान की महत्ता बढ़ाएं, जहान की ना बढ़ाएं, बहुत खुश नसीब होंगे, पर बहुत कम हो। तो इतनी सी बात बताने के लिए भगवान ने पहले ज्ञान बता के तीसरे श्लोक में जाके कहा, जो है सबके तन में मतीना, ये दाई में पानी नहीं आता। तो डिस्टिंग्विश कर बिटवीन क्या पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल, बिटवीन मॉर्टेलिटी एंड इमोर्टेलिटी, इनमें डिस्टिंग्विश करें, क्या चीज नाशी है, क्या अविनाशी है। नाशी में अविनाशी, वाह वाह परमात्मा, क्या तेने कबाल कर रखा है, गोदड़ी में लाल शरीर, तो गोदड़ी है और उसमें लाल। अब हमारा ध्यान भगवान में लगता है, ये तो नाशी है, ये तो नाशी है, ये तो टूट रहा जा रहा है, जिसको कुछ टुकड़े नहीं करने, बस समझ आ गए कि इस नाशी में अविनाशी है। सिर्फ इतना ही समझना है कि कुम्हार के पास जाओगे, कुम्हार ही चीजें घड़े मटके सुराइयां, ये क्या है, ये मिट्टी की है, तोड़ के भी खा। बाबू कितना बेवकूफ है तू, ये है मिट्टी, तो समझ लिया मिट्टी सी है। वो देख कुम्हार, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, वो देखो गधे मिट्टी भर भर के ला नहीं रहे, और देखो ढेर बना रही है, हाँ, और मेरी बेटी देख गूंथ रही है, हाँ, और एक बेटी लोदा बना बना के मेरे चाक पे ला रही है, और वो देख मैं बैठ के ये बना लेने लग गया हूं। तो अब तुझे घड़े तोड़ के दिखाऊं कि ये मिट्टी है, इससे क्या हम शरीरों को टुकड़े करके देखेंगे पांच तत्व है कि नहीं? सिर्फ बौद्धिक समझ आ जाए कि वाकई है तो यही, बस समझना है। तो बेसमझी से मन इनमें लगा पड़ा है, बात समझी से मन उसमें, वाह वाह, बेसमझी से शरीर के साथ और बात समझी से शरीर में रहने वाले के साथ, विद नॉलेज एंड विदाउट नॉलेज, मच डिफरेंस, मच डिफरेंस, कितना अंतर मिल देगी। बस अब बात समझी से मन भगवान की ओर लगते हैं। इसके बाद प्रसंग एकदम पलटता है, आगे चलते एकदम प्रसंग पलटा। किसी को बता दो किस तरीके से बताया जा रहा है, पुराने कपड़े की तरह कहा, फिर से कहा, फिर इसी बात को, नाशी नाशी कटेगी न तलवार से आत्मा, जलेगी कहां आग से आत्मा, न गीली वो पानी लगाने से ये, न सूखे हवा में सुखाने से ये। पांच तत्वों से शरीर बनता है, पांच तत्वों में गलता भी तो है ना, डिस्ट्रॉय तो इन्हीं में होता है, इन्हीं की बात बात कही जा रही है। नहीं आत्मा को तगैयर सवाल, हवा को उसको पाए ना पहुंचे ख्याल, तुझे आत्मा का जो ये ज्ञान है तो फिर किस लिए गम से हल्का हो। उस सत्ता बता अविनाशी की महिमा बताया जा रही है, ये तो नाशी, इसमें तो पानी भी गला देगा, हवा भी सुखा देगी, अग्नि भी इसको साड़ देगी, हाँ धरती से गला डालेगी, हाँ, लेकिन जो चला रही सत्ता वो तो पांच तत्वों की मिजाज में, क्योंकि पांच तत्वों को चलाने वाली भी वही सत्ता है, हाँ वही नाशी नाशी का। अगर तू समझता है ये आत्मा पैदा कभी और कभी और फना, फिर भी ये लाजम तुझे हो कभी का गम आत्मा का न करना कभी, ये भगवान बहुत नीचे आ गए। अच्छा 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 अच्छा, अगर तू इसी को सब कुछ समझता है तो भी इसका गम न कर, क्यों? जो पैदा हो मौत उसको, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर, ये भगवान का अटल नियम है। अगर तू आत्मा परमात्मा को नहीं समझता, जो तेरी बुद्धि नहीं समझती, तो इसी को समझ ले, हाँ ये टिकने वाली नहीं, ये कुछ देर रहेगी, पर अगर परमात्मा को नहीं समझेगा संस्कार लेके मरेगा, संस्कार लेके मरेगा, जन्म इसका फिर आएगा, हाँ ये चक्कर बड़ा रहेगा, फिर भी रुलना नहीं चाहिए, जन्मेगा, संस्कार अपने पूरे करेगा, संस्कार लेके जाएगा, फिर इसका जन्म होगा, फिर अपने संस्कारों को पूरा करेगा, फिर संस्कार लेके मरेगा, फिर ये चक्कर चलता ही रहेगा। किसकी तरह? कुएं की तरह, लोटे भर भर के आएंगे, निसार पर गिरेंगे, फिर खाली होकर नीचे जाएंगे, फिर नीचे भर भर के आएंगे, फिर निसार पर ऊपर गिरेंगे, फिर नीचे जाएंगे, लाइक दैट। संस्कारों से भर के शरीर आएगा, संस्कारों को पूरा करेगा, संस्कार नए लेके जाएगा, फिर जन्म होगा, फिर हाय भगवान कहां नीचे आ गए, कितनी लोअर स्टेज पर भगवान जी आ गए। अगर तू समझता है ये आत्मा, ये शरीर ही आत्मा है, वो पैदा कभी और कभी और फना, तो फिर भी ये लाजम तुझे हो कभी, वो कुवत वाले अर्जुन के गम आत्मा का ना करना कभी, दलील जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर, जो ये अमर लाजम है और ना कसी
लेकिन टाली नहीं जा सकेगी, इसलिए तू कमतासी। फिर ये रोना किस लिए? तू पेट भी ले, रो भी ले, वाल अपने तोड़ भी ले, अपनी छाती कुट कुट के मर भी जा, तो नियम तो ये चले गए, नियम तो चलेगा। देन व्हाई टू वीप एंड व्हाई टू लमेंट? तो भगवान इतना डाउन जाके समझाने लगे, हाँ जब ये बात है अर्जुन तो फिर तेरा ये करना। फिर एक और बात सुन, चलो मरे ना से और दिल दी, दिलीप पे दिलीप, दिलीप पे दिलीप, इधर आप सुन। हाँ, जन्म लेने से पहले ये कहा थे, मेरे प्रभु मुझे क्या पता मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मुझे क्या पता। तो भाई जिनकी जन्म का पता नहीं, मरने का पता नहीं, आप भी इन पे दिल लगाना मूर्खता। निगाहों से पहले ये, फिर बीच में कुछ यहाँ निगाहों से फिर हो जाए अंजाम कार, यहाँ पर ये हो जाए। अर्जुन है किसी के लिए बेकरार, फिर ये बेकरारी बेचैनी किस लिए? ये शरीर पहले भी नहीं थे, आखिर में भी नहीं रहेंगे, पहले भी नहीं थे आखिर में नहीं रहेंगे, बीच में वास्ता करके पूरे उम्र फिर रोना पीती, घड़े पहले भी नहीं थी और घड़े बाद में भी नहीं रहेंगे, ये बीच में कुम्हार ने हमारी इच्छा के अनुसार घड़े, किसी को मटका चाहिए, किसी को सुराही चाहिए, किसी को घड़ा चाहिए, किसी को दूध जमाने वाला कुंडा चाहिए, किसी को दिवाली के छोटे छोटे दीपक चाहिए। हाँ, जो कुम्हार ने हमारी इच्छा के अनुसार बनाए, किसी को माँ चाहिए, किसी को बाप चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को छोरा चाहिए, किसी को छोरी चाहिए। ये कुम्हार, ओ मेरे कुम्हार, ए कुम्हार तेरी जय जयकार है, ये नाना प्रकार के रूप बनाएंगे, नाना प्रकार के। हाँ, हमें ये कोई भी नहीं चाहिए, भगवान का कोई नहीं चाहिए, फिर तेनू का भाव है? राम हमारे जैसे पूछते, आपको जो भाव है आपको मिल गई, सब पति चाहिए, पति चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। भगवान हमारे जैसे सिर सड़ों से पूछती है, अरे तेनू क्या भाव है? भगवान मिलते आप भाव है, फिर मेरी लग जा। अगर आपको जहान भाव है तो जहान ले लो, और अगर आपको भगवान भाव है तो भगवान को पकड़ लो। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का क्वेश्चन है, जैसी डिमांड वैसी सप्लाई जी। तो फिर भगवान कितने इनका गम, ये तो चक्कर में रहेंगे, ये तो आएंगे। तो मन आपको कैसे तरीके से भगवान की ओर, भगवान अपनी ओर लगा रही है, पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में नजर आती है। हाँ, अभी इस स्थान का में एक घंटा पहले नहीं थे हम, अपना अपनी मन की भोजन ले रही है, घंटे के बाद भी नहीं रहेंगे। हाँ, आगे चलिए। कोई आत्मा से तुप आए अर्जुन, जो मैं असली बात बता रहा हूं ना, हाँ ये यूं नहीं समझ आनी। कोई ये बातें सुन के बड़ा आश्चर्य में पड़ रहा है, और जो सुनाने वाला अगर अनुभवी नहीं तो वो भी आश्चर्य पड़ेगा, और जो श्रोता वक्ता दोनों आश्चर्य पढ़ के गुग्गू दे गुग्गू बने रहेंगे। है गुग्गू मतलब बुद्धू अर्थात बंद को भी, वो दोनों बंद को भी बनी रहेंगी, क्योंकि इन बातों के ना कोई सुनने का आदि ना सुनाने का आदि, अपनाने तो बड़ी दूर की बात है। अर्जुन जी तो आश्चर्य बना रहेगा जब तक लगन ना लग जाए कि मैं उस सत्ता को देखूं जिसके कारण से जरे जरे की महत्ता है। हाय, महत्ता अगर किसी प्राणी पदार्थ की है तो उस सत्ता के कारण से। अगर हमें यह नहीं बताया गया कि अगर कोई चीज हमें प्यारी लगती है तो आत्मा के कारण से प्यारी लगती है, मुर्दा चीज कभी प्यारी लगती है, चाहे अपनी पत्नी भी हो, पति भी हो, चाहे अपना बेटा भी क्यों हो, मुर्दा तो नहीं अच्छा लगती है, चले फिरने वाले भागने दौड़ने वाले अच्छे लगती है, तो भागना दौड़ना चला फिर मैं किस कारण से, ये कभी समझाइए कि परमात्मा की शक्ति से सब चल रहे थे, तो फिर किस लिए तू बेकरार? और उससे कभी नाश नहीं होना, इससे कभी रहना नहीं। यहां के भगवान अपना उपदेश खत्म करते गए, अर्जुन जी ऐ जिज्ञासु जी ले सुन ले, क्या जो है सबके तन में ये दायित्व बन नहीं आ, फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं, ये मरने वाले वो नहीं जो इस पर यकीन है। पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, बाद में विश्वास के अनुसार हमारी हमारा अनुभव खुल जाएगा। पहले विश्वास करना पड़ता है मैं चौथी जमाते पास जाऊंगा, भाई पहले जाके हेडमास्टर से लिखवाते मुझे लिख के दो, बाप जाता है मैंने इतना रुपया लगा रहा है चौथी बार पास जाएगा ये नहीं पता, आता रहेगा मेहनत करता रहेगा पास हो जाएगा। हम कोई पहले हेड से लिखवाते नहीं है, विश्वास करते हैं, सारा काम विश्वास पर, लाखों रुपया लगा देती है गुप्ता जी तो बाद में जाकर के काम चलता है। पहले किसी बिजनेस में वी विल हैव टू स्पेंड, हाँ पहले ये विश्वास ही हर काम में विश्वास। तो भगवान कहते पहले इस बात पर विश्वास करो, ये नाशी वो अविनाशी, और वो कल्याण का घर है, ये तो जा रहा है, इसके द्वारा कल्याण हो रहा है जी। यकीन गए तो भारत के लाल, ऐ भारत में उत्पन्न हुए वे जी, न कर ऐले हस्ती का, इन शरीरों को लेके गम ना मना, शरीरों को लेके पिटिया ना कर, शरीरों को लेके गर्मा गर्म आंसू न बहाया कर, ये तो जाएगा, ये तो जाएगा, बहारे जाएगा एक दिन, ये दरिया है फना सबको, ये मौत का दरिया दुनिया में रब ने चला रखा है, बहा ले जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको, रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी, इसकी रवानी नहीं रुक सकती, रवानी का लाभ उठाया जा सकता है, पानी की रवानी नहीं रुक सकती, मैंने अभी अभी आपको बताया था। हाँ, रवानी का लाभ उठा सकते हो,
शरीरों की रवानी कोई नहीं रोक सका, चाहे रावण जैसे अहंकारी भी थे और उनके पास तप का बल भी था, लेकिन रवानी को ना रोक सके। कोई मां का पुत्र ऐसा पैदा नहीं हुआ जो काल की रवानी को रोक सके, बल्कि अहंकारियों के सिरों पर खड़ा होकर हमने कहा कसा हूं मैं, कसा हूं मैं, कि घर पे अब फना हूं मैं, हम सब हस्तियों बूद को विदा दे आ रहा हूं मैं। जानती हूं जब रब ने ये कहा तो रब का नाम क्या रखा गया था? रब का उस वक्त एक निराला नाम रखा गया था, कोई बता सके थे? जब परमात्मा ने ये कहा कि मैं सारी कजा मौत बन के आया हूं, क्या रखा गया? महाकाल। और बोलो, शायद अपना बता पाए, फिर ही पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है? रब का एक नया नाम रख दिया गया कि जब भगवान ने डिक्लेयर किया, क्या? सर्व पक्षी, सबका भक्षण करने वाला, सर्व पक्षी, पक्षी नहीं, कई पक्षी घर में ना बोल देना, सर्व पक्षी, पक्षी तक खा जाने वाले, निकल जाने वाले, सांप को निकल जाने वाले, सर्व पक्षी भगवान, सर्व पक्षी भगवान, सर्व पक्षी भगवान, तो नाम रखते हैं अपना सर्व पक्षी, सबको हड़प कर जाने वाले, ये सबको हड़प कर जाएंगे। इसी बात दो दृष्टांत अपने नोट नहीं किए, ग्यारहवें अध्याय में विराट रूप में दिए गया, ये सारे जीव भगवान में आंखों से देख रहा हो, इस तरह तेजी से जा रही है जैसे नदियों की तेज धारे समुद्र के अंदर अपनी हस्ती मिटा रहे गए, जैसे पतंगे हाँ किसी जलती हुई अग्नि में अपने आप को मिटा रहे। दो दृष्टांत, नदी की तेज धारे और पतंगों का दृष्टांत दिया गया, फिर ऐसे पतंगे किसी जलती दीपक के ऊपर अपने आप को फिदा कर देती है, इसे ये सारे आपकी ओर जा रहे हैं, या नदियों की तेज धारे सागर की ओर जा रही है अपने आप को मिटाने के लिए, इसमें कोई चक्री सर्वभक्ति है ना, वो जो भगवान उत्पन्न करने वाले गए, हाँ वो सर्वभक्ति भी होती है, वो खा भी जाती है, नहीं समझ जाती, नहीं समझ जाती, जो पैदा करे वो मार भी दे, भगवान जवाब देते हैं, हाँ हाँ जो प्रश्न का मैं तुझे जवाब दू, भगवान जी ये क्या बात हो रही, क्यों? क्या पुराने मकान की राके नए नहीं बनाए जाते, जो खंडर हो जाती है, जो पुले खंडर हो जाती है, क्या वो पुले नई नहीं बनती? अभी आपकी मैंने कहा लाखों रुपया लग गया, नई पुल बनी कौन सी? ये मारकंडे के ऊपर, क्योंकि कई वर्ष गुजर गए थे, अभी ये आपके सामने पुल जो है नई बनी, क्योंकि इसका पेड़ खत्म हो गया था, तो हम देखते हैं इसके बोलते जीर्ण उधार, जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाती है, मंदिर नए बन जाती है, पुले नई बन जाती है, और कमेटी वाले किसी मकान को खड़े होकर गिरा दो, नहीं तो गिरने वाला है और कई मर जाएंगे नीचे, ना भी मालिक मकान चाहे तो कमेटी के एक नियम है गिरा दो, नहीं तो नीचे कई मर जाएंगे उतरने वाले, जो नजर आते हैं कि दरारें पड़ गई है, ये गिर जाएगा, गिरवा देती है। इसे जब भगवान देखती है कि ये मकान अब चंगा नहीं रहा, अब लाख ना रब रब ने इस मकान को ना गिराया, ना जैसे तब कमेटी में जो मकान मालिक है, वो कमेटी वाला हमारे मकान को ना गिरा रहा, लाजमी तौर पर गिरा के और ये सारा मलबा ट्रकों से उठा के फेंक रहा, लाख पड़े कोशिश करते हो, गवर्नमेंट का नियम है, कमेटी वालों को ये मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है कि जाओ तुम तो देखो कि तुम कार गिरने वाला, गिरवा दो, हटा दो वहां से। रब सर्व समर्थ है, जब देखती है कि कोई पुल हमारा शरीर गंदा मंदा हो गया, उठा लो, सर्व भक्षी है ना, वो छोड़ेगी नहीं, ये जरूरी है, इसलिए आप जैसे कल्याणकामी मन अपना अविनाशी, ये तो पुल टूटेगी, ये पुराना मकान टूटेगा, ये तो जाएगा, इसलिए हमारे दादा 50 साल के बाद केवल यही गीत आलापा करते थे, केवल यही, पिंजरा हुआ पुराना रे पक्षी, पिंजरा हुआ पुराना, अब तो है उड़ जाना रे पक्षी, तेरा पिंजरा हुआ पुराना। के अनमोल शब्द गराते अरे ओ मेरे जीवात्मा रूपी पक्षी, अब शरीर का पिंजरा पुराना हो गया, अब तो है उड़ जाना रे पक्षी, पिंजरा हुआ पुराना, कौन जाएगा? तो फिर अभी से हम अपना ध्यान अपने उसमें लगा ले जिसका कभी नाश नहीं होता, उसको परमात्मा कहती है, उसको कृष्ण कहती है, उसको इष्टदेव कहती है, उसको अपना सर्वस्व कहती है, उसको ऋषि बोल बोल के आखिर में थक के कहा हमसे नहीं नाम लिए जाती, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व, जितने रिश्ते हैं केवल आपके कारण से, जितना प्यार है केवल आपके कारण से, इतना कह के अपना मन भगवान में लगा के तल्लीन हो,
तो मेरे देवियों दूसरे भय का ये ज्ञान का प्रसंग यही समाप्त हो जाता है। ये 30 श्लोक को लेकर भगवान ने इसे पूरा कर दिया। आगे कर्म योग चलता है। मैंने कहा था पहले कर्म होना चाहिए और कर्म योग, कर्म सारे करते हैं लेकिन कर्म भोग करते हैं। मुझे ये मिलेगा मैं इंजॉय करूंगी, मुझे ये मिल गया मैं बड़ी खुशी मनाऊंगी, मैं बीए कर लूंगी, कमाऊंगी, शादी करूंगी, मेरे बच्चे में मां बन जाऊंगी, सारे व्यक्ति इसी में लगे हुए, मेरा मकान बन जाएगा, मेरी ये मुझे ये मैं मुझे ये मिले मैं भोग करूंगा। अर्थात आई विल कंज्यूम वर्ल्डी ऑब्जेक्ट, आई विल बी कंज्यूमर, आई विल बिकम कंज्यूमर दैट वर्ल्डी ऑब्जेक्ट विल बी कंज्यूम्ड बाय मी एंड देन देयर विल बी एंजॉयमेंट। या मार खा गया ये मुझे मिले, हाँ मैं भोगी बनू और मैं रस रस नहीं लेगा। रब ने ना नियम बनाया होता क्या इसी से प्रगट हो बुद्धू तो इंजॉय नहीं करेगा बल्कि तो पिटा करेगा, रोया करेगा। क्यों आप पूछो रब से क्यों नियम बनाया? खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते गए, और अगर देखो जहां बचती है शहन आई वहां मातम भी होती है। इनएविटेबल इंडिस्पेंसिबल डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ जी। इसलिए अविनाशी की ओर देखो, वो मेरे जैसे को रब भेजता सिर्फ इसीलिए कि इनको बता, क्या बताओ रब नाशी में अविनाशी कौन, इनको बता कि मिट्टी के अंदर छिपा पड़ा है करोड़ों रुपए का हीरा, लाल छिपा हुआ है, बता इनको। वही लाल को बताने हम आ जाती है कि मिट्टी में एक लाल छिपा, ओ हम उधर देखें मिट्टी के द्वारा, चलो उधर। भगवान हमें न्यारा बनाने आती है, एक सुनारे होती है एक न्यारे होती है। सुनारे का गंध उठा करके ये लाती है, उसको पानी के किनारे बैठ बैठ के धोती है, उसमें इसको चांदी निकल आती है, कुछ सोने का कर निकल आता है, लोग इसी से ये लाखों पति बन जाते हैं न्यारे। हाँ वो तो उस रूप में हो गए, और जो संसार के टूटने वाली चीजों को निकाल के वो सदा रहने वाली चीज की का न्यारा पना करते हैं, यू न्यारे। हाँ तो ये जो अलग अलग करते हैं, ये भी टूटने वाली, ये मन भी टूटने वाला, ये बुद्धि भी टूटने वाली, मुझे इन टूटने वाले से क्या, मुझे तो इस असल वस्तु से जो अविनाशी है। तो इस प्रकार करके जो न्यारे पना करके जैसे सुनार न्यारे करती है, तो ये न्यारे रब नु प्यारे, ये जो हम न्यारे कर रहे हैं सेपरेटिंग सेपरेटिंग फिजिकल बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये तीनों को सेपरेट कर दिया, बाकी क्या है आत्मा परमात्मा। बाबा भगवान कहते हैं इसको आप इधर ध्यान लगा, इसका जाप कर, हाँ इसको प्राप्त करने की कोशिश कर, ताकि मौत जबरदस्ती तुझे ना ले जाए, तो पहले ही मौत के लिए तैयार। मौत का मतलब क्या, शरीर को छोड़ने के तैयार, मरे हुए मरने में भी चीज देखना, कभी अविनाशी चीज नहीं मरती, नाशी नाशी पर ही काल पड़ता, मरने वाली चीज ही मरेगी, हाँ अविनाशी को कभी मर नहीं सकती, अविनाशी नाशी रहेगी। भगवान ने मैं अखीर में कहकर खामोशी अख्तियार कर रहा हूं, जिस वस्तु को करोड़ों अरबों वर्ष पहले जैसा बनाया था अब तक वैसी है और वैसी रहेगी। अगर ईख को मीठा बनाया है तो युग युगांतर गुजर गए, ईख मैंने गन्ना मीठा ही रहेगा, और अगर मिर्च को कड़वा बनाया तो युग युगांतर गुजर गए और भी युग आ जाए, इस मिर्च ने कड़वा ही रहेगा। हाँ जो रब ने जैसी चीज बनाई है नीम कड़वी रहेगी, बरसों पे बरस गुजर गए नीम ने कड़वा रहना है और आगे गुजर जाए, लेकिन नीम के पास आम का वृक्ष है उसने मीठा ही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, जो रब ने जैसी चीज बनाई उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, लाख बड़ा कोई कोशिश करे अपना अहंकार दिखाए, पर रब के हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और उन्होंने बेटे जैसे रहना, शरीर को नाशी बनाया, हाँ ये नाशी रहेगा, शरीर को चलाने वाले को अविनाशी बनाया, वो अविनाशी ही रहेगा। युग गुजर गए युग गुजर जाएंगे, नाशी नाशी अविनाशी, इसको यूं समझ ले, हमारा मन अविनाशी में लग जाएगा। हाँ पिटते हैं तो क्यों हो गया कमले, ये तो ऐसा है ही, ऐसा समझा नहीं गया, समझाया नहीं गया, किसी के मरने पर रोना पिटना चाटियां कुटनी पहले समझा ही नहीं, पहले समझ लेते तो फिर हमारा मन अविनाशी, जैसे कि इसके साथ लगे पड़ेंगे तो रोती है, फिर उसके साथ लग करके लोक भी बना जाते, फिर लोक भी बना जाते। अगर शुरू से माँ बता देती तो अविनाशी का चिंतन करते, शुरू से रब रब करते, अब शुरू से माँ माँ की, फिर पिता पिता की, फिर बहन बहने की, फिर भाई भाई की, फिर पति पत्नी, फिर पति पति, फिर पुत्र पुत्र, फिर जवाई जवाई, फिर नाई नाई, फिर पत्नी क्या क्या करते रहे, इन्हीं में लगे 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 लगे, फिर क्या, फिर सब भी शामत आई रहे लोग को, सब भी शामत आई, फिर शामत आ गई, फिर काल आ जाता है। और अगर माता जान दी जाए तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवान का सिमरन, और भगवान का नियम है जैसे तुम बन जाओगे ऐसे ही तुम्हें मिलने लग जाए, जैसे को तैसा, पंजी को
पंजी और पैसे को पैसा, पंजिया पंजिया में गिरेगी और पैसे पैसे में गिरेगी। फिर जो अच्छे विचारों वाले अच्छे विचारों वालों से मिलेंगे और अपनी भक्ति बढ़ाएंगे, बुरे विचारों वाले बुरे विचारों से मिलेंगे और अपनी गंदगी बढ़ाएंगे, काम क्रोध मोह लोभ बढ़ेगी, क्योंकि उनको वैसे मिल जाएंगे। हाय शक्कर कोरे को शक्कर, मुझी को टक्कर मिलती है, चाहे मारे सौ को चक्कर। एक बहुत जरूरी प्रसंग भगवान ने 30 श्लोक तक संपूर्ण कर दिया। लो आगे कर्म योग की बातें, जिससे कि जो बताया ये सथाई हो जाए, जो बताया ये सथाई हो जाए। आप भगवान कर्म योग बताए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।